नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। केंद्रीय सूचना आयोग के स्थापना दिवस पर बोले अमित शाह, लोकतंत्र की यात्रा में मील का पत्थर साबित हुआ आरटीआई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो में महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को साधने की कोशिश। पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, अखनूर सेक्टर में की गोलाबारी, एक जवान शहीद। उत्तर प्रदेश के रामपुर में रैली में छलका आजम खान का दर्द, कहा इस जमीन पर जो करोगे उसका हिसाब होगा। केंद्रीय उच्च आयोग के 14वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारा देश सूचना का अधिकार कानून लागू करने में सफल हुआ है, पूरी पारदर्शिता के साथ तंत्र काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आरटीआई एक्ट की कल्पना की गई होगी उसे लगभग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में हमारा देश सफल रहा है। आरटीआई एक्ट का मूल प्रावधान व्यवस्था के अंदर जनता का विश्वास खड़ा करना है, ये विश्वास जनता में जागृत करना, यही इस कानून का प्रमुख उद्देश्य है। शाह ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही ये दोनों ऐसे अंग हैं जिसके आधार पर ही हम अच्छा प्रशासन और सुशासन दे सकते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को आगे बढ़ाने के लिए आरटीआई एक्ट ने बहुत बड़ी सहायता की है। गृह मंत्री ने कहा कि मैं मानता हूं कि हमारी लोकतंत्र की यात्रा के अंदर आरटीआई एक्ट बहुत बड़ा मील का पत्थर है, हमारी निरंतर चलने वाली लोकतांत्रिक यात्रा का एक मील का पड़ाव है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें खुद योगदान दिया। अपने महाबलीपुरम दौरे के दौरान मोदी ने वहां के एक बीच की साफ सफाई की। पीएम ने खुद इसका वीडियो ट्वीट किया और इसकी जानकारी दी। वीडियो में मोदी बीच पर फैला कचरा उठाकर एकत्र करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो के साथ मोदी ने लिखा कि आज सुबह ममल्लापुरम के बीच पर साफ सफाई की, यह काम करीब आधे घंटे तक किया। अपनी तरफ से एकत्र किए कचरे को मैंने जयराज को दिया जो एक होटल स्टाफ है। मोदी ने आगे लिखा कि चलिए यह पक्का करते हैं कि हमारे सार्वजनिक स्थल साफ सुथरे रहेंगे, यह पक्का करते हैं कि हम फिट और हेल्दी रहेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शिवसेना ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। आदित्य ठाकरे की अगुवाई में शिवसेना का घोषणा पत्र जारी किया गया। मैनिफेस्टो में बाला साहेब ठाकरे और उद्धव ठाकरे की तस्वीर है। घोषणा पत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की शिक्षा के लिए महाविद्यालय, हर जिले में एक महिला बचत घर, कामकाजी महिलाओं के लिए सरकारी हॉस्टल, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को दुरुस्त करने का वादा किया गया है। मैनिफेस्टो लॉन्च करने के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी था, लेकिन मौजूदा घोषणा पत्र पूरे प्रदेश के लिए है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का विरोध करने वाले तुर्की और मलेशिया को भारत करारा जवाब देने की तैयारियां कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक दोनों मुस्लिम बहुल देशों के स्टैंड के जवाब में भारत अब उनसे कारोबारी संबंध कमजोर कर सकता है। इसके तहत मलेशिया में पाम ऑयल समेत कई चीजों के आयात पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा तुर्की से होने वाले आयात पर भी रोक का फैसला हो सकता है। इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के नेता ने जम्मू कश्मीर में भारत के कदम की आलोचना की थी। सरकार और इंडस्ट्री के सूत्रों का कहना है कि भारत मलेशिया से पाम ऑयल के इंपोर्ट को सीमित करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा कई अन्य उत्पादों के इंपोर्ट पर भी पाबंदियां लगाई जा सकती है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी में हमारा एक जवान शहीद हो गया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने बताया कि जम्मू जिले के अखनूर सेक्टर में भी पाकिस्तानी गोलाबारी में दो जवान घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से सुबह नौशेरा सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ। रक्षा मामलों के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ से गोलीबारी के दौरान शहीद हुए जवान का नाम नायक सुभाष थापा है। गोली लगने के बाद थापा को उधमपुर के सैन्य कमान अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वे वहां शहीद हो गए। बंगलुरु की एक पत्रकारिता छात्रा को एक दिन के लिए ब्रिटिश उप उच्चायुक्त बनने का मौका मिला। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मिले इस दुर्लभ अवसर के दौरान 24 साल की अंबिका बैनर्जी ने ब्रिटेन और भारत के बीच राजनयिक संबंधों के बारे में जाना। संयुक्त राष्ट्र की ओर से घोषित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर अंबिका को यह खास मौका मिला। उन्होंने एक दिन के लिए जेरेमी पिलमोर बेडफोर्ड से प्रभार लेते हुए ब्रिटिश उप उच्चायुक्त की भूमिका निभाई, जो कि भारत में ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा पद है। अंबिका ने इस दौरान बंगलुरु स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त में सरकार और उद्योगपतियों के साथ बैठक की अध्यक्षता भी की।
अंबिका ने कहा कि मुझे बंगलुरु के ब्रिटिश उपउच्चायुक्त कार्यालय के सभी अधिकारियों से मिलने का खास मौका मिला। पठानकोट, गुरदासपुर और बटाला में आतंकी हमले के इनपुट के मद्देनजर अलर्ट जारी करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तीनों जगह सुरक्षा बलों द्वारा 3 दिवसीय विशेष सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। 13 अक्टूबर तक चलने वाले इस ऑपरेशन में उन गनमैन और ट्रेनीज को भी शामिल कर लिया गया है जो सेवा से अलग हो चुके हैं। जानकारी के अनुसार तीनों इलाकों में आला पुलिस अधिकारियों की भी तैनाती की गई है। पठानकोट में 45 SP रैंक के अफसर, गुरदासपुर में 33 और बटाला में 22 SP तैनात किए गए हैं। इसके अलावा बटाला में 50, गुरदासपुर में 90 और पठानकोट में 130 DSP भी अभियान में लगाए गए हैं। सपा सांसद आजम खान 5वीं बार SIT टीम के समक्ष पेश हुए। इससे पहले भी आजम खान को SIT तलब कर चुकी है। आजम खान ने उन्हें बार बार बुलाने को लेकर प्रशासन द्वारा परेशान करने की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं SIT के अधिकारियों ने आजम खान के दिए जवाबों से संतुष्टि नहीं बताई है। आजम खान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा, 2 बार पहले भी परिवार को बुलाया जा चुका है, 5वीं-6वीं बार फिर बुलाया है। उन्होंने कहा, हम तो हर बार सवालों के सभी जवाब देते हैं। वहीं SIT के अधिकारियों ने बताया कि आजम खान के जवाबों से SIT की टीम संतुष्ट नहीं है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने बताया, जौहर विश्वविद्यालय के संबंध में जो मुकदमे हैं उसमें विवेचना चल रही है। इसी क्रम में आजम खान को बुलाया गया था। इस संबंध में तकरीबन 1.5 घंटे तक पूछताछ की गई। जौहर विश्वविद्यालय के संबंधित जो मुकदमे हैं उसी मुकदमे संबंधित विवेचना चल रही है, उसी विवेचना के क्रम में आज फिर से बुलाया गया था पूर्व मंत्री आजम खान को। उसी संबंध में पूछताछ की गई, तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास पूछताछ की गई। कुछ जानकारी हमें मिली, बाकी जानकारी महोदय ने कहा कि कोर्ट से हमें मिलेगा। और कुछ जानकारी ऐसी भी है जिन्होंने कहा कि 3-4 दिन के अंदर हम उनको लिस्ट दे दें, जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें प्रोवाइड कर देंगे। तो जो 3-4 दिन के अंदर जो डॉक्यूमेंट अगर वो प्रोवाइड कर देते हैं तो फिर उसे भी विवेचना में शामिल करके विवेचना आगे बढ़ाई जाएगी। सवालों की गिनती हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो भी विवेचना से संबंधित जितने भी सवाल आ रहे हैं सवाल हम उनके समक्ष रख रहे हैं। जो भी महोदय के जवाब हैं वो हम अपने केस डायरी में अंकित कर रहे हैं, चाहे वो महोदय कहें कि संबंधित नहीं है या संबंधित है, जो भी उनके जवाब होते हैं विवेचना में हम इसे सम्मिलित करते हैं। 2 बार पहले परिवार को बुलाया जा चुका है, 5वीं या 6वीं बार आज फिर बुलाया है। भाई हम तो हर बार सवालों के जवाब भी देते हैं, जो लिख कर देते हैं उसका भी जवाब देते हैं, जितनी जानकारी है उतनी ही जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जानकारियाँ ऐसी भी ली जा रही हैं जिनका कोई संबंध नहीं है इस मुकदमे से। हम तो ये जवाब दे चुके पहली बैठक में, जितने सवालात वैलिड थे हम उनका जवाब पहली बैठक में दे चुके। अब ये तो सिर्फ हमारा ह्यूमिलिएशन हो रहा है, अपमान जितना भी हो सकता है। अब देखिए, जिसे वो संतुष्टि का नहीं कह रहा है, मैं संतुष्टि का कह रहा हूँ, मैं वही जवाब तो दूंगा जो मुझे मालूम है, और जो सवाल का जवाब होगा वो दूंगा। अब मैं वो जवाब तो नहीं दे सकता ना, जो सवाल कुछ हो जवाब कुछ दूँ। उत्तर प्रदेश में 21 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। ऐसे में सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने सपा प्रत्याशी ताजीन फातिमा के लिए वोट की अपील की है। सपा प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल जलसा का आयोजन किया गया। जलसे में सैकड़ों की तादाद में सपा समर्थक पहुंचे। सपा सांसद आजम खान ने जलसे के दौरान जनता से रूबरू हुए। रैली को संबोधित करते हुए आजम खान ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आम लोगों की मदद में गुजार दी। इस दौरान उन्होंने अपने दर्द को भी बयां किया। मेरे अजीजों, मेरा गुनाह क्या है? इंसानियत और इंसानों के लिए लड़ने वाला एक बेसहारा शख्स, जो आज से तकरीबन 45 बरस कम तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए आया था, जिसने तुम्हारे सूखे हुए जिस्मों में सांसें डालना चाहिए थी, जो खुराबी की मजबूत जंजीरों को अपने हाथों से तोड़कर तुम्हारे माथे से गुलामी के इस दाग को मिटा देना चाहता था, उसने सारी जिंदगी की मुस्कुराहट, खुशियां, अपने मासूमों का मुस्तकबिल
चेहरे से निकलने वाली कहता उन्हें अपने हाथों से धो दिया और चक्की के बाटों के बीच तकरीबन 42 बरस तक अपने आप को मसल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल।